दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जेब्रोनिक्स जेब्जुक बार 6100 DWS प्रो 2.1 चैनल साउंड बार का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। जैसा कि दोस्तों आज आपको हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा होगा, एंड हमने अपने साउंड बार को सीधे टीवी के साथ कनेक्ट कराया, यानी कि आज इसकी सबसे पहले टीवी के साथ डिटेल पे टेस्टिंग होगी, एंड आपको बताएंगे कि यार टीवी वॉचिंग पे कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। साथ में दोस्तों, इस मॉडल को हमने फ्लिपकार्ट की सेल से परचेज करा था, एंड ये मॉडल दोस्तों हमें काफी सही प्राइस पे मिल गया था। इस मॉडल को दोस्तों हमने केवल 7000 में परचेज करा था, एंड इस पर दोस्तों हमें 240 वॉट्स का साउंड आउटपुट मिल जाता है। 4 ड्राइवर्स हमें साउंड बार पे मिलते हैं, एंड साउंड बार पर दोस्तों हमें RGB लाइट इफेक्ट भी मिलता है। अगर मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊं तो इस पर हमें ब्लूटूथ, USB, AUX, HDMI, ARC, ऑप्टिकल, ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में दोस्तों इस पर हमें वायरलेस सबवूफर मिलता है। अगर दोस्तों आपको ये मॉडल को परचेज करना है एंड आपको इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में डिटेल पे जानना है तो जरूर से यार आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों एक चीज आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस मॉडल को हमने खुद परचेज करा है, सो जो हमारा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अंतिम युद्ध का समय आ गया है। पता चला कि आप रॉकी नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों यार मैंने आपको टीवी वॉचिंग पे साउंड बार को कनेक्ट करके काफी डिटेल पे टेस्टिंग करवा दी है, एंड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि परफॉर्मेंस कैसा हमें मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपको ये साउंड बार 7000 की रेंज में मिले तो आँख बंद करके परचेज कर सकते हैं, तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। क्योंकि मेन चीज क्या है ना, इस पर हमें 240 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, एंड साउंड क्वालिटी सीरियसली में मतलब बहुत पावरफुल हमें मिल जाती है। अगर आप मूवी वॉचिंग करते हैं, स्पेशली दोस्तों एक्शन मूवीज देखने के शौकीन है, तो ये साउंड बार आपको थिएटर लाइक एक्सपीरियंस करवा देगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा। क्योंकि बहुत सारे ट्रेलर्स प्ले करे, इसका बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर दिया है, परफॉर्मेंस तगड़ा हमें मिल जाता है। बट दोस्तों कौन भी है यहाँ पे, इस साउंड बार पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आपको वर्चुअली सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस करना है तो आप इस साउंड बार से वो चीज़ नहीं पा सकते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। बट प्राइसिंग जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि 7000 में अगर आपको ये साउंड बार मिले तो परचेज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये साउंड बार आपको 9000 या 10000 की रेंज में देखने को मिले तो वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि यार टीवी वॉचिंग के लिए आप इस साउंड बार को परचेज करें, क्योंकि मार्केट में हमें और अच्छे साउंड बार देखने को मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ हमें देखने को मिलते हैं। बट 7000 के हिसाब से बढ़िया है, टीवी वॉचिंग पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इस पर हमें 4 साउंड मोड मिल जाते हैं, म्यूजिक, मूवी, 3D एंड न्यूज़। सो अभी दोस्तों हमने इसे मूवी मोड में रखा था, अब दोस्तों हम इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करते हैं। अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा ये चीज़ टेस्ट करते हैं। तो इसको क्या है कि म्यूजिक मोड में रखते हैं। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए। तो दोस्तों
सर मैंने आपको इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट भी करा दिया है, एंड मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आया होगा कि यार परफॉर्मेंस इस साउंड बार का हमें सॉन्ग सुनने में कैसा मिलता है, अगर आप लोग म्यूजिक लवर हैं क्या आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं इसे काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं, मैंने इसका बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए बढ़िया साउंड बार परचेस करना है, स्पेशली दोस्तों पावरफुल जिस पर लाउडनेस काफी बढ़िया हो, अगर आप लोग पार्टी वार्टी करने के शौकीन है तो ये साउंड बार जो है ना बढ़िया होने वाला है, मतलब आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। हाँ दोस्तों अगर आपको थोड़े सॉफ्ट सॉन्ग सुनने का शौक है, क्लियरिटी आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी चाहिए, तो वहां पर मुझे जो प्रॉब्लम लगी ना मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, मुझे हाइज में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है, मतलब कि वो ओवर पावर्ड है, अगर आप मैक्स वॉल्यूम करेंगे तो थोड़ा कानों में चुभने लग जाती है। सो हाइज के अलावा दोस्तों मुझे और कोई भी इसमें कमी नहीं लगी है, बेस भी बढ़िया हमें मिल जाता है, मतलब कि 7000 के हिसाब से बता रहा हूँ, बढ़िया बेस मिल जाता है, लाउडनेस तो बता ही चुका हूँ कि यार तगड़ी हमें मिल जाती है, पार्टी के लिए तो बढ़िया रहेगा। हाँ आप इसे आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि पावर आउटपुट जो है इसका काफी तगड़ा है, 240 वॉट्स का है। अगर आपको हाइज ज्यादा कानों में चुभ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ट्रेबल को जीरो में रख सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल हमें मिल जाते हैं। सो म्यूजिक लवर के लिए भी दोस्तों बढ़िया है। बट दोस्तों यार अगर ये साउंड बार 9,000 से 10,000 की रेंज में आपको देखने को मिले एंड आप 240 वॉट के हिसाब से इस मॉडल को परचेस करने की सोच रहे होंगे तो मत परचेस करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपके लिए इतना बेस्ट नहीं रहेगा, मतलब कि सीधे आपको बताऊं वैल्यू फॉर मनी डील पर ये नहीं रहेगा, 7000 की रेंज में ही आप इस मॉडल को परचेस करिएगा। चलिए अब इसकी फाइनल टेस्टिंग कर देते हैं एंड देखते हैं कि यार इसकी बेस क्वालिटी कितनी तगड़ी हमें मिलती है, अगर आप लोग बेस लवर हैं क्या आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। इसके सबवूफर को कॉम्पैक्ट में रखते हैं एंड आपको डिटेल पे बेस टेस्ट कराते हैं, एंड एक एडवांटेज और मिल जाता है जो इसका सबवूफर है, ये हमें वायरलेस पे देखने को मिल जाता है, सो आप अपने रूम पर इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए बेस टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार मैंने इसका डिटेल पे बेस भी टेस्ट करवा दिया है आप लोगों को एंड मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि यार बेस क्वालिटी कैसी हमें मिल जाती है। दोस्तों यहां पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा ना, अगर आप 7000 में इस साउंड बार को परचेस करते हैं, अगर आप लोग बेस लवर है एंड इसके सबवूफर को आप कॉम्पैक्ट स्पेस में डाल देते हैं, आपको तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर तो है पंच, तगड़ा पंच है, मतलब कि हमारा फ्लोर खिड़की दरवाजे सब कुछ शेक कर रहे थे। सो बेस क्वालिटी में वाइब्रेशंस तो तगड़े हमें मिल जाते हैं, बाकी अगर आप लोग फुल वॉल्यूम पर बेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो चीज भी आप इस पर कर पाएंगे एंड बेस डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। सो इस साउंड बार की जो सबसे बेस्ट चीज लगी ना मुझे बेस क्वालिटी लगी, मतलब क्लियरिटी में भी मैंने आपको बताया कि यार हाइज में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी, टीवी वॉचिंग पर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, बट क्या है कि यार बेस क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो 7000 में बढ़िया है, वायरलेस सबवूफर हमें मिल जाता है एंड इसकी बेस क्वालिटी भी बढ़िया हमें मिलती है। बट जैसा कि अगर आप इसे टेबल पे रखेंगे एंड टेबल पर बेस वाले ट्रैक्स प्ले करेंगे तो बेस में उतना मजा नहीं आने वाला है, अगर आप इसे परचेस करेंगे तो इसके सबवूफर को कॉम्पैक्ट स्पेस पे ही रखेगा या ग्राउंड पे रखेगा तभी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। हाँ एडवांटेज यहां पर जरूर से मिलता है कि यार वायरलेस सबवूफर है, सो आप अपने रूम पे कहीं पे भी इसे एडजस्ट कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने इसका काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट कर दिया है एंड मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लास्ट में यही चीज बोलूंगा, अगर इसका प्राइस 9-10 हजार का होगा तो मत परचेस करिएगा, 7000 में आप परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।